एक जंगल में सुनहरी नाम की चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया को बहुत लालच था। वह उस जंगल में मांस बेचा करती थी। मैं और कितने दिनों तक इतना छोटा सा मांस का दुकान चलाते रहूंगी? अब मुझे कुछ भी करके एक बड़ा सा दुकान खोलना पड़ेगा। उन पैसों से मुझे एक बड़ा सा घर भी तो बनाना है। इस तरह वो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर ख्वाब देखा करती थी। तभी उसके पास टुनटुनी चिड़िया आती है और कहती है, क्या हुआ सुनहरी, तुम आंखें खोल के ख्वाब क्या देख रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है टुनटुनी, तुमको क्या चाहिए पहले वो बताओ। सुनहरी, तुमको पता है ना, मैंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। इस खुशी में मेरे परिवार वाले सोच रहे हैं कि जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर दावत रखेंगे। वो ऐसा क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मांस का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। मुझे अगले 10 दिन के अंदर 20 किलो मांस दे दोगी? क्या 20 किलो मांस चाहिए? हाँ 20 किलो ही। अगर तुमसे नहीं होगा तो पहले ही बता देना, मैं किसी और से ले लूँगी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, उस दिन मैं तुमको 20 किलो का मांस पहुँचा दूँगी। फिर वो टुनटुनी ये सब बताकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे भी करके मुझे इस टुनटुनी का ऑर्डर पूरा करना है, तभी तो मैं बड़ा सा घर बना पाऊंगी ना। फिर सुनहरी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कालू भैया कालू भैया, मुझे कुछ जानवर चाहिए। नहीं, मैं तुमको अपने जानवर नहीं दूंगा, तुम बहुत ही कम दामों में मेरे सारे जानवर ले जाती हो। इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, मुझे 4 जानवर चाहिए। 4 जानवर? 4 जानवर का तो 10,000 रुपए लगेंगे, क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? 10,000 रुपए? 10,000 रुपए तो मेरे पास नहीं है, मैं तो सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपए दे सकती हूँ। तो फिर मैं तुमको अपने जानवर नहीं दे सकता, निकलो यहाँ से। ऐसा कालू कौवा सुनहरी चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। कितना भी बोलो, वो कालू कौवा मुझे कम दामों में जानवर नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, फिर मैं रोज थोड़ा थोड़ा मांस छुपा कर उस दिन 20 किलो का मांस उस टुनटुनी को दे दूंगी। ये सोचकर वो सुनहरी चिड़िया थोड़ा थोड़ा मांस को छुपाने लगती है। अरे ऐसे ही छुपाते रहूंगी तो उस दिन तक ये मांस खराब हो जाएगा। फिर वो उस मांस को ताजा रखने के लिए उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिला देती है। फिर 10 दिन बाद वो टुनटुनी सुनहरी चिड़िया के पास मांस लेने के लिए आती है। आओ आओ टुनटुनी, तुम्हारे लिए मांस तैयार है। हाँ ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। फिर वो टुनटुनी वो मांस को लेकर अपने घर जाती है। उससे ही ढेर सारे पकवान बनाने लगती है। दावत में पूरे जंगल के पक्षियों को वही भोजन खिलाती है। वो सब रासायनिक पदार्थ वाला मांस को खाकर बीमार हो जाते हैं। वो बड़े से हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी उन सबको पता चलता है कि उस भोजन में रासायनिक पदार्थ मिला हुआ है। ये सब उस सुनहरी चिड़िया के मांस से ही हुआ है। वो सब जल्दी जल्दी सुनहरी चिड़िया के पास जाते हैं। क्या हुआ है और तुम सब मिलकर यहाँ क्यों आई हो? सुनहरी,
तुम किस तरीके का मांस बेच रही हो। तुम्हारे वजह से ही हम सब बहुत बीमार हो गए हैं। वो सभी पक्षी ऐसे गुस्से में आने में सुनहरी चिड़िया सारी सच्चाई बता देती है। फिर सभी पक्षी मिलकर सुनहरी चिड़िया पे कंप्लेंट रखते हैं। पुलिस आके सुनहरी को जेल में डाल देता है। इस तरह उस सुनहरी चिड़िया को एक अच्छा सा सबक मिलता है। टुनटुनी चिड़िया की शादी चील बाज से हो गई थी। वो दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। टुनटुनी को ये तो पता था कि चील कुछ काम करता है, लेकिन वो क्या काम करता है ये बात से टुनटुनी अनजान थी। टुनटुनी घर पर ही रह के घर के काम संभाला करती थी। हाल ही में शादी होने के कारण आस पड़ोसी से भी इतनी परिचित नहीं थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, घर पर काम पूरा होने बाद मुझे घर पर अकेला सा महसूस होता है, आप मुझे अपने साथ दुकान ले जाइए ना। इस बात पर उसका पति कहता है, टुनटुनी तुम जानती भी हो मैं क्या काम करता हूँ, मैं मांसाहार बेचता हूँ, आखिर इस जगह तुम आकर क्या करोगी। क्या कहा, आप मांसाहार बेचते हो यानी पक्षियों को काट कर बेचते हो, ये बात आप मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। टुनटुनी दुखी होकर रोने लगी। टुनटुनी तुम क्यों रो रही हो, हम एक नेक काम कर रहे हैं। जो भी हम पर हमला करने आता है उसका पूरा परिवार को हम मार देते हैं और उसके मांस को हम बाजार में बेचते हैं। इससे हमको बहुत पैसे भी मिलते हैं। हमारे पास मांस खरीदने के लिए चील कव्वे जैसे पक्षी आते हैं, साथ ही साथ कुछ और पक्षी भी आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया भी दुकान पर जाने लगी। दुकान पे जो जो ग्राहक आ रहे हैं उन सबको वो चील मांस बेच रहा था। टुनटुनी वहीं पर बैठे ये सब देख रही थी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया भी मांस बेचना सीख गई थी। जब पति दुकान पर नहीं आता वही मांस बेचा करती थी। ऐसे में एक दिन वो चील एक दिन अपने मुंह में एक बहुत बड़ा थैला ले आता है। वो चील ने सोचा घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए कुछ पक्षी को ले आकर वो अंगार में जला रहा था। टुनटुनी जैसे ही अपने पति को पक्षियों को आग पर सेकते हुए देखा वो उससे कहती है, सुनिए ये आप क्या कर रहे हो, आपने मुझे झूठ बोला ना, आप पक्षियों का मांस बेचते हो ना। लगता है आप में दिल ही नहीं है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने दुष्ट हो। ये सब सुन के उस चील को बहुत गुस्सा आता है। चुप हो जाओ टुनटुनी, बोले ही जा रही हो, अगर तुम चुप नहीं हुई ना इनके साथ तुम्हें भी जला दूंगा। अपने पति को इतने गुस्से में देखकर टुनटुनी चिड़िया चुप हो जाती है और रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह वो चील दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, दुकान पर नहीं चलना है क्या? नहीं, आज के बाद मैं आपके साथ दुकान पर नहीं आऊंगी, ना जाने आपने मुझसे कितने पाप करवाए हैं। ये सब सुन के चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डंडा लेकर अपनी पत्नी टुनटुनी को मारने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। टुनटुनी के पास और कोई भी चारा नहीं था, उसे अपने पति की बात माननी पड़ी और उसके साथ दुकान जाना पड़ा। दुकान पर तरह तरह के पक्षी आते और मांस खरीद कर ले जाते। हे भगवान, ये पक्षी अनजाने में ही अपने दोस्त और अपने नन्हे से बच्चों को खा रहे हैं। मुझे किसी तरह इन्हें बताना पड़ेगा। हर दिन पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। ये सब बातें कालू नाम का पुलिस ऑफिसर सुन लेता है। पिछले कुछ दिन से पक्षियों के बच्चे और पक्षियां गायब होने की रिपोर्ट आ रही है। लगता है यही इन पक्षियों को गायब करता है। ये सोचकर वो उनके घर जाता है और कहता है, चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। कौन हो तुम
और मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? पुलिस स्टेशन चलेगा तो सब जान जाएगा। शुरुआत में तो उसने कुछ भी गुनाह कबूल नहीं किया। पुलिस के डंडे के मार से वो सारा सच उगल दिया। बाद में पुलिस को पता चला इसमें टुनटुनी का कोई भी हाथ नहीं, वो टुनटुनी को रिहा कर देते हैं। फिर टुनटुनी ने सोचा कि वो कुछ व्यापार करेगी। ऐसा टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचकर अपने दिन काट रही होती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। उसका पति 2 साल सजा काटने के बाद अपने घर वापस लौटा। उसने अपनी पत्नी टुनटुनी से माफी मांगी। टुनटुनी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। टुनटुनी ने अपने पति को माफ कर दिया। इस तरह दोनों फिर से मिलजुल कर खुशी खुशी से रहने लगे।